जय श्री राम मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान, जिसके द्वारा रोज आप जुड़ते हैं और बहुत सारी जानकारियों को आप प्राप्त करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए आखिर कैसा रहेगा जुलाई 2024, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ ग्रहों को लेकर के हम चर्चा करें, आपके ग्रहों की बात कर लें। आपके लिए शनि फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, मंगल सिक्स्थ हाउस में, राहु आपके पंचम भाव में, सूर्य शुक्र स्टार्टिंग में आपके अष्टम भाव में, बुध आपके नाइन्थ हाउस के अंतर्गत। बहुत कुछ जरूरी है इस राशि में इस बार अगर बात की जाए जुलाई में। लेकिन उससे पहले एक सूचना देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं पितृदोष इत्यादि की शांति, अगर आप चाहते हैं कि घर में जो अशांति है वो दूर हो, परिवार में प्रसन्नता हो, प्रेम हो, संस्कार अच्छे हो बच्चों के, भागवत कथा कराना चाहते हैं, राम कथा कराना चाहते हैं, शिवपुराण इत्यादि की कथा कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके द्वारा सनातन धर्म के लोग एकत्रित तो हों, एक अच्छा वातावरण विश्व के अंदर बने, भारत के अंदर बने, और चाहते हैं कि ये कथा मेरे द्वारा हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, रात को 9 बजे दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, फ्री होता है वो, और पहले या बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए क्या खास है इस महीने। सबसे पहले अगर खास की बात की जाए तो शुरुआत का जो समय है करीब 1 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, जब आपके राशि स्वामी मंगल स्वयं गोचर करेंगे अपने सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत। और अगर ऋषि पाराशर ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है, त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भवमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये। शनि राहु या मंगल तीसरे छठे और 11वें भाव में अगर बैठे हों तो बड़े से बड़े अरिष्टों से निकाल करके हमको जीवन में एक नया मार्ग प्रदान करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन इत्यादि के अंदर हमको सफलता प्रदान करते हैं, हमको मानसिक शांति प्राप्त होती है, हमको विजय की प्राप्ति होती है। आपके राशि स्वामी मंगल इस महीने में 12 तारीख तक सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। छठे भाव में इनका गोचर करना आपके जीवन के लिए सबसे शानदार रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं या आप किसी कंपटीशन में भाग इत्यादि ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, मन में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, तो एक शानदार रिजल्ट अगर देखा जाए इस दृष्टि से आपके लिए बन रहा है। एक और चीज है जो इस महीने आपके लिए खास रहने वाली है, विवाह इत्यादि का जो संयोग है वो आपके लिए इस महीने बनता हुआ दिख रहा है। यानी शादी नहीं हो रही है तो शादी होने का संयोग, विवाह से रिलेटेड बातचीत इत्यादि का संयोग, जीवन संगिनी यदि रूठी हुई है या रूठे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ दोबारा संबंधों को बेहतर करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो इस महीने आपको मिलने जा रहा है। आखिर ये किस दिन होने जा रहा है, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन ये चीजें ये हो सकता है, विवाह वाली बात कर रहा हूं, तो ये दिन होने के लिए स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग का, यानी अगर हम बात करें 2 तारीख को सुबह 11:14 से लेकर के 4 तारीख को 3:58 दोपहर तक का जो समय होगा, या अगर हम बात करें इसी महीने के अंतिम की, इस महीने अंतिम की अगर हम बात करते हैं करीब 29 तारीख को, क्षमा चाहूंगा 28 तारीख को शाम को 4:45 से, और 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को रात को 10:16 तक, तो जो ये समय आपके लिए होगा, इस समय में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सुलझाने का, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का, विवाह से रिलेटेड बातचीत इत्यादि करने का जो संयोग है वो आपकी राशि में निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। इस महीने में एक चीज जो परेशान करेगी, आपसे नीचे वाले व्यक्ति को प्रमोट इत्यादि करके आगे ले जाया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। स्पेशली अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं या रहती हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति से लेकर के आपके पीड़ित होने के चांस ज्यादा हैं कि आपके जो नीचे लोग काम करते हैं उनको प्रमोट करके ऊपर लेकर के आया जाए और आपकी नौकरी पर ही खतरा मंडराए, इस प्रकार की परिस्थिति है। ये महीना आपके लिए जीवन को दोबारा से, जीवन को
दोबारा से प्रारंभ करने का जो मंत्र है वो ये महीना बनने जा रहा है। जो मेहनत आपने इतने दिन किया है उसके रिजल्ट को देने वाला जो समय है ये बनने जा रहा है। इस महीने में 19 तारीख के बाद बुध आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, और जब बुध 10th हाउस में गोचर करेंगे तो लाभेश होकर के और अष्टमेश होकर के गोचर करेंगे, यानी अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको वापस प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस माह में 19 तारीख के बाद आपके लिए कुछ व्यापारिक नए रास्ते खुलेंगे, व्यापार की प्रगति के रास्ते खुलेंगे, जल्दी कुछ पैसा कमाने का जो रास्ता है वो आपके लिए बनेगा, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। और सावधानी किस प्रकार की, जल्दबाजी में आज कमाया हुआ पैसा आपकी राशि में इस महीने भविष्य में आपको नुकसान दे, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, यानी नौकरी प्राप्ति के लिए, नौकरी परिवर्तन के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो सुंदर दिन इस माह में आपको प्राप्त हो रहे हैं वो दिन आपके लिए रहेंगे। आपकी राशि के अकॉर्डिंग अगर उठा करके देखा जाए, 9 तारीख को सुबह 7:53 से 10 तारीख और 11 तारीख शाम को 7:50 तक ये जो समय होगा, इस समय पर आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। बच्चों को लेकर के अगर इस महीने, या प्रेमी प्रेमिका को लेकर के बात किया जाए, शाम को 23 तारीख सुबह 9:21 से लेकर के 24 तारीख और 25 तारीख को सुबह 10:45 तक प्रेमी प्रेमिका या मित्र इत्यादि रूठे रहे, गलत फहमी के कारण इस प्रकार की परिस्थिति होगी, बच्चे परेशान करें या बच्चे चिंतित हों जिसके कारण आपका मन अप्रसन्न रहे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन इसी दिन बच्चों को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, प्रेमी प्रेमिका या मित्रों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। क्या किया जाए, समय कम होता है, बातें बहुत होती है, तो लाइव में इसलिए आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं या जान सकती हैं। पहले और बाद में कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, बिल्कुल डिटेल में अपने बारे में चर्चा कीजिए, सब कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। तीसरी चीज, अगर आप मुझसे भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं या चाहती हैं तो भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।